हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। एंड कैसे हो आप लोग? टुडे वी गोना टॉक अबाउट फाइव इमोशन जो आपको महसूस होंगे अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो या करने की शुरुआत करने वाले हो। अभी मैं अपने पर्सनल लाइफ से ये सारी इमोशंस इकट्ठा की है, एंड ये हर एक टाइम पे जब भी मैं बिजनेस करता हूँ कहीं ना कहीं ये इमोशन कहीं ना कहीं स्पॉटअप होते हैं एंड मुझे ऐसा फील होता है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये चालू करेंगे, अगर आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, और अगर आपको मालूम होगा कि ये पांच इमोशंस ना कभी कभी आपके साथ खेलना चालू करेंगे, तो यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बिकॉज कभी कभी ये जर्नी इतनी अकेली हो जाती है, इतनी लोनली हो जाती है आई वुड से, कि आप किसी से बात करना नहीं चाहोगे, आप खुद में रहोगे। यू विल ट्राई टू फाइंड यू नो आंसर्स टू योर ओन सेल्फ, जो कि कभी कभी कठिन पड़ सकता है, कभी कभी डिफिकल्ट पड़ सकता है। सो योर ब्रदर इज़ ओवर हियर टू हेल्प यू आउट विद इट। बिफोर यू बिगिन, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन हाउ वी कैन इम्प्रूव और आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट इज लोनलीनेस। अभी ये मैंने बात करने से पहले भी कहा है, लोनली आपको फील हो सकता है अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ अ लोनली प्रोसेस आई वुड से। अगर आप पहली बार चालू कर रहे हो आप डर सकते हो, आप घबरा सकते हो। आपको गाइड करने के लिए शायद अगर मेंटोर्स हुए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर मेंटोर्स नहीं हुए ये जर्नी आपकी थोड़ी बहुत लोनली हो सकती है। आपको बहुत टाइम टीम बिल्डिंग से पहले खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। आप आपके खुद के कंपनी में आप एक बॉस भी हो, एक सर्वेंट भी हो, एक हेल्पर भी हो, एक आर्टिस्ट भी हो, सब कुछ आप हो। एंड कभी कभी आपको सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलती है, ये मैंने महसूस किया है। एंड सक्सेस जल्दी नहीं मिलने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आपका आपको जो ऊपर वाला है, आप किसी किसी भी नाम से पुकारो, जो ऊपर वाला है आपको वो कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा। आपका रास्ता स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत या काफ़ी लोनली हो सकता है। जिद मत हारना, खुद से निराश मत होना। बिकॉज मैं ये जानता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप बिज़नेस चालू कर रहे हो, आपको उस पाथ पे उसने रखा है, ऊपर वाले ने रखा है, तो वो आपका हाथ ज़रूर नहीं छोड़ेगा। वी आर ह्यूमन्स, हमें जब तक हमें पेन नहीं होता है ना, जब तक आपको महसूस नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, हम लोग नहीं सीखेंगे। द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज थ्रू पेन एंड सफरिंग, आई फील सो। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, जब तक आपको बाइसेप दुखेगा नहीं तब तक आपका बाइसेप बढ़ेगा नहीं। जब तक आप पत्थर हो और पत्थर जब तक घिसेगा नहीं आप हीरा नहीं बनोगे। एंड भगवान जी आपको यही चाहते हैं कि आप हीरा बने, तो आपको घिसने की ज़रूरत है। दूसरी पार्ट, मिसअंडरस्टूड। ये बहुत ही आई वुड से, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रूव नहीं करते हो, बहुत सारे लोग, चाहे इन्वेस्टर्स हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, चाहने वाले हो, स्ट्रेंजर्स हो, जिनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हो, कभी कभी वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको गलत मत समझिएगा। बिकॉज कभी कभी आपकी जो आइडिया है वो बहुत ही यूनिक है, भगवान जी ने आपको ही वो आइडिया दी है, ऊपर वाले ने आपको ही आइडिया दी है, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक आप उसको प्रूव ना करो। पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू। आप कभी कभी यू कैन ऑल्सो मिसअंडरस्टैंड योर सेल्फ, लेकिन हैव फेथ। जिद रखना, फेथ रखना, सब बराबर होएगा। डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जस्ट गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहे। आज मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कल नहीं होगी। थर्ड थिंग, क्रेजी। बहुत सारे, अगर आपका आपका अगर टॉपिक अगर आपका अगर आपका जो आइडिया है आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत सारे लोग आपको क्रेजी बोलेंगे, बोलेंगे क्रेजी है। यू नो, बहुत सारे बड़े लोगों ने नहीं किया, तू क्या उखाड़ लेगा। बहुत सारे यू नो इन्वेस्टर्स है, आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्टूपिड सा आइडिया है। आई टेल यू वन थिंग, एक स्पॉट से सामान उठा के दूसरे स्पॉट में डालने का जो डिलीवरी ऐप है, दैट इज़ इन मल्टी करोड़ रुपीज़। एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है उसको हम लोग वेबसाइट पे डालेंगे, दैट कंपनी इज़ अ मल्टी करोड़ रुपीज़। तो आपकी आइडिया ना कुछ छोटी नहीं है। खुद पे भरोसा रख, आइडिया पे भरोसा रख। डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कोई चीज़ पे आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, प्लीज़ मेरे दोस्त, एक्शन इट, एक्शन कर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सारी चीज़ सीख लेगा तू, लेकिन एक्शन करो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। फोर्थ थिंग, लॉस्ट। अगर आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं यू कैन फील लॉस्ट। मैं भी बहुत लॉस्ट फील करता हूँ। यू कैन फील एट यू आर एट ब्लू, कोई आपके आसपास में नहीं है, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट टाइम। जब आपके पास कोई नहीं होता है ना, तब आपके पास ना ऊपर वाला होता है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस पर, इसलिए इफ़ यू कैन से सागर भाई आप बकवास बात कर रहे हो, मैं हाथ जोड़ के हाँ बोल दूंगा। कोई भी नाम से पुकारो वो सुन लेते, ऐसा मैं मानता हूँ। जब भी आप लॉस्ट फील करोगे ना,
यू माइट फील डिप्रेस्ड, आपको उससे भर आना है, आपको डिप्रेशन में बढ़ना नहीं है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो एक्चुअल में अच्छा, यू नो इफ यू फीलिंग लॉस, इफ यू फीलिंग डिप्रेस, उससे बाहर कैसे आते हैं उसके बारे में बता देते हैं, आप वो देख सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बिजनेस के टाइम आपको लॉस्ट फील हो सकता है, उससे आपको बाहर आना है। बाहर कैसे आना है उसके वीडियोज अलग बन सकते हैं। फिफ्थ थिंग, अभी चार पॉइंट मैं बोल चुका हूँ बहुत नेगेटिव है, लेकिन एक पॉइंट बोलूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि यू विल फील वेरी वेरी पॉजिटिव। जस्ट सोचो, कभी कभी क्या होता है कि कोई आप पे बिलीव नहीं कर रहा है, कोई किसी को भी आप पे फेथ ही नहीं है, कोई आप पे बिलीव नहीं कर रहा है, कोई आप पे फेथ नहीं है, कोई आपके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है, आपके पास कोई बैगेज ही नहीं है, यू कैन फील वेरी मोटिवेटेड, वेरी पॉजिटिव टू डू समथिंग रियली ग्रेट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्टूपिड आइडिया, नहीं होगा, नहीं होगा मतलब किसी ने वो आइडिया को ट्राई नहीं किया। मतलब अगर आप ये आइडिया को ट्राई करके बाहर निकल जाते हो, यू आर द फ्रंट रनर इन दैट एंड यू कैन बी रिच, सक्सेसफुल, फेमस वेरी क्विक। बहुत गहराई से सोचिएगा आज मेरे वीडियो पे क्या बोला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। Thank you.